देंगे। आज हम जा रहे हैं पटरी पटरी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसा आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। हाँ तो दोस्तों, रोज की तरह हमारा काम हो चुका है और आज हमारे घर में आए हैं एक मेहमान, बहुत प्यारी सी लवली सी, तो मैं उससे आपको मिलाऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो मैं भी जा रही हूँ किचन में, तो तब तक आप बने रहे मेरे वीडियो में। बाय। हाँ तो नाश्ता बनके हमारा तैयार है और आज नाश्ते में हमने बनाई है मैगी। और जब भी नाश्ता तैयार होता था बच्चे गायब हो जाते हैं, तो मैं इनको बुला के लाती हूँ। आ जाओ भाई मैगी खाने। हाँ तो बच्चे आ चुके हैं डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट करने, और चलिए मैं भी बैठती हूँ ब्रेकफास्ट करने और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में बच्चों के साथ। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको मिलाने वाली हूँ अपनी भांजी भावना से। ये है मेरी भांजी। हेलो। और ये आई थी पिछले लॉकडाउन में 2020 में, तो जैसे ही आई है तो दूसरे दिन लॉकडाउन लग गया था और ये 2 महीने यही रह गई थी, तब से ये आज आ रही है बैंगलोर घूमते हुए। और अब हम इसको जाने नहीं देंगे, 2-4 दिन रुक के रहेंगे रोक के रहेंगे। और उस टाइम पे हमने बहुत सारे टिकटॉक बनाए थे ना, तो बहुत सारे हमने टिकटॉक बनाए थे और फिर उसके बाद तुरंत बैन हो गया। तो अब हम रील्स बनाएंगे, रील्स में हम बनाते हैं, तो इसके समय हम रील्स बनाएंगे। और आज हम ब्लॉग बना रहे हैं और अब ये जा रहे हैं मार्केट और मैं रहूंगी घर में, मैं इनके आने तक बना के रखूंगी खाना। तो तब तक आप बने रहें मेरे वीडियो में। बाय। ये बच्चे बाहर जाए और कुछ खा के ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैं बनाऊंगी थोड़ा थोड़ा इनके लिए। और मैं बना रही हूँ बेसरी का कापा, तो चलिए किचन में चलते हैं, तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ बेसरी का कापा। ये मैं बना रही हूँ बेथुए का कापा। इसको बनाने के लिए मैंने पहले इसको उबाल लिया है, उबाल के मैंने इसे मिक्सी में डाला है और साथ में ये सब चीज़ मैं डाल देती हूँ इसमें, ये प्याज भी टमाटर भी और हरी मिर्च और लहसुन। तो आज मैं बना रही हूँ इसको ज़रा दूसरे तरीके से, देखो कैसे बनता है। और ये मैं 2 लौंग भी इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी। हल्दी थोड़ी सी डालेंगे, नहीं बहुत सारी डालेंगे। इसी में हम मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, देखो कैसे बनता है। उसमें चीनी डालो। हाँ मिक्स कर लो। और अब मैं इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स करूंगी। मैं डालूंगा आटा। आटा बेसन कुछ भी मिक्स कर सकते हो। तो नहीं गिरा दिया। तो सारा गिरा दिया आटा। छोड़ो नया लो। मैं लेती हूँ। अच्छे से डालना आप लोग। नहीं खाना पकाना। बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, मैं डालूंगा। क्या रहा है? बस हो गया। बहुत सारा डाल। इसको बहुत शौक है काम करने का। थोड़ा सा डाल दिया। इसको बहुत शौक है काम करने का, कहता है मैं रोटी बनाना भी सीखूंगा मम्मी, मैं आपके लिए रोटी बनाऊंगा। चलो डालो पानी, डालो थोड़ा हल्के हल्के डालो, हल्के हल्के हिलाओ, गांठ नहीं पड़नी चाहिए। और आटा मिला के इसमें और इसको ऐसे हिलाते रहें। नहीं नहीं बेटा, बाद में साफ कर देंगे। मिक्स हो गया। हाँ चलो डालो। और अब हम इसको डाल देते हैं कढ़ाई में। थोड़ा सा पानी में डालो ताकि पके। अपने हिसाब से जो जितना खाता है उस हिसाब से आपने डाल दिया, और थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये अच्छे से पक जाए। किसी ने दिया। मैं चावल जब भी बनाती हूँ तो मेथी जरूर डालती हूँ, तो आप लोग भी जरूर मेथी का प्रयोग कीजिए, चाहे वो किसी में भी डाले। तो मैं चावल में हमेशा मेथी डाल के बनाती हूँ, उससे क्या होता है कि जो चावल
का जो ठंडा लगता है वो नहीं लगता है, इसका इस चावल में जो बातीपन होता है वो नहीं लगता है, तो इसलिए ज़रूर आप मेथी डालिए। कापा लगभग लगभग बन गया है और चावल भी मैंने तैयार कर लिए हैं, धो करके कुकर में डाल दिए हैं, और जब बच्चे आएंगे तो सीटी लगाऊंगी उसी समय। और ये भी मुझे अभी साफ़ करना है, ये सुनी जो आटा गिरा दिया था। तो चलिए मैं अब करती हूँ इसकी सफाई, फिर मिलेंगे छत में आप लोग। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं छत में, थोड़ा धूप भी सेक लेते हैं और कपड़े को उठा के ले आते हैं। अरे छत में तो कोई है ही नहीं, चलो कोई नहीं, आज तो मैं छत की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि छत बहुत गंदी हो रही है। जब तक बच्चे आते हैं उनके आने तक मैं ज़रा सफाई कर लेती हूँ। पता नहीं रोज कहाँ से आ जाता है इतना कूड़ा ये। चलो एक काम तो ये हो गया, छत की सारी सफाई हो गई है। कोई नहीं होता ना तो साथ में तो कुछ ना कुछ काम हो जाता है, तो आज कोई नहीं है घर में, तो छत की सारी सफाई हो गई है। तो अब मैं चलती हूँ नीचे, देखती हूँ बच्चे कितनी देर में आते हैं। छत में झाड़ू लगाना भी काफ़ी गर्मी लग गई है, इतना पसीना हो गया है, और बच्चों का फ़ोन भी आ गया है कि हम मम्मी खाना मत बनाना, हम खाना खा के आएंगे। लेकिन मैंने खाना बना दिया है, एक चावल में सीटी नहीं लगाई है, तो अब मैं अपने लिए बनाऊंगी रोटी, मैं चावल नहीं बनाऊंगी अपने लिए, और फिर शाम को बनाऊंगी चावल अच्छे से फ्राई करके, बर्बाद होने से अच्छा है शाम को यूज़ कर लेंगे। खाना मैंने लगा दिया है अपने लिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है अकेले खाने में, हमेशा कोई ना कोई साथ होता है मेरे। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ खाना। अभी तक कर रही थी बच्चों का इंतज़ार, और बच्चे तो वैसे भी खा के ही आएंगे, और आज मुझे पहली बार अकेले खाना पड़ रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है अकेले खाने में। तो भूख लगी है, खाना तो पड़ेगा, और अकेले खाने में क्या होता है ना कि बिल्कुल भी खाए जैसा लगता नहीं है, तो क्या करें, खाना तो पड़ेगा। और चलिए अब मैं खाती हूँ खाना, तब तक के लिए बाय। बच्चे आ चुके हैं मार्केट से, और ये बहुत सारी शॉपिंग करके लाए हैं, और ये लेके आए हैं अपने लिए विंचीटर, ये लवी लेके आई है, और ये भावना लेके आई है अपने लिए, और भावना ये क्या है, और ये स्वेटर लाई है अपनी बहन के लिए पूजा के लिए, अच्छी लग रही है, बहुत कलर भी बहुत प्यारा है और दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। और क्या लाए हो भाई? और ये एक लाई है अपने लिए ठंडा इधर का, और ये लाई है एक बैग, साइड बैग, और ये छोटे मोटे सामान, और ये एमी के लिए हेयर बैंड, प्यारा प्यारा सा। एमी यहाँ है नहीं, उसको हम बहुत मिस कर रहे हैं, तो ये लवी लेके आई है उसके लिए। और क्या लाए हो? ये बीट्स लाए हैं। कौन लेके आए भावना? ये भावना लेके आई है अपने बालों में लगाने के लिए, क्योंकि इसके बाल बहुत अच्छे हैं, लंबे लंबे, ये देखो इसके बाल बहुत अच्छे हैं, और हमारे बाल ये छोटे छोटे हैं तो लंबे बालों में अच्छे लगेंगे। और ये क्या है? ये भी हेयर बैंड है यार, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है, प्यारा प्यारा सा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने लगी हैं अभी तो मार्केट में। और मिन्नी चले गई है, मिन्नी कुछ नहीं लाई, और मिन्नी कुछ नहीं लाई। चलो आज की शॉपिंग इनकी पूरी हो गई है, और अब हम मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। भावना को लगा दिया है कपड़े फोल्ड करने में, अच्छी शॉपिंग करके लाए हैं यार, मेरे लिए भी कुछ ले आते। ओहो कोई नहीं कोई नहीं, मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लूंगी। जो भी सामान लाए हो अच्छा लाए हो यार, है ना, मुझे ये अच्छा लगा बहुत, ये स्वेटर ना, इसका कलर भी अच्छा है और गर्म भी होगा ना, ये सॉफ्ट भी है, कलर भी अच्छा है और सॉफ्ट भी है। वाह बच्चों की शॉपिंग, अच्छी शॉपिंग करके लाए हैं, बिल्कुल अपने मतलब वाली, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता ना ऐसे छोटा मोटा सामान खरीदने में, मन तो करता है कि सारे ही खरीद लो। चलो फिर अब आराम करो थोड़ी देर, और मैं भी आराम करती हूँ, आ तो धूप भी नहीं आ रही है बाहर, आज धूप भी नहीं आ रही बाहर। तो अभी हम चल पड़े हैं घूमने को, बाहर कोहरा लगा है और ठंडा भी हो रहा है, और लौटते समय हम सब्जी भी लेके आएंगे। है? है?
से आना था फिर इसलिए पहना है ये, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, कभी ये मास्क भूल जाती है, कभी ये शूज पहनना भूल जाती है। शुक्र करो जरा स्टॉल डाल के लाई है। जब तक ये बात करते हैं मैं बना लेती हूँ वीडियो। ये बच्चे खेल रहे हैं रामनगर ग्राउंड में। पट्टी जा रहे हैं आज हम घूमने, चलो यार चले। आज हम जा रहे हैं पटरी, सड़क से जाते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ ट्रैफिक होता है, तो रेल पटरी से हम जा रहे हैं क्योंकि रेल का अपना टाइम फिक्स है, तो हमें पता रहता है कि ट्रेन कब आने वाली है। तो हम जा रहे हैं पटरी आज, तो पटरी अच्छा भी हो रहा है, फटाफट जा रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं क्योंकि जब मेन रोड में हम जाते हैं तो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, गाड़ियाँ आते जाते रहती है और बच्चे भी हमारे साथ आ जाते हैं, कहना नहीं मानता है इसका बच्चा, इसका बेटा, तो वो सोया है अभी, उसके पापा के पास को छोड़ के आए हैं और अब हम फटाफट जा रहे हैं घूमने। तो अब हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय। अभी हम आ गए हैं सेंट थेरेसा स्कूल के पास और यहाँ पे भी देखो इतना सारा ट्रैफिक है ना। चलो रोड क्रॉस कर लेते पहले। घूमते हम पहुँच चुके हैं LIC के पास और यहाँ पे भी ट्रैफिक नहीं है, आगे जाके होगा ट्रैफिक। आज लग रहा है कि हमने घूमा है क्योंकि आज हमारे साथ बच्चे नहीं है ना, बच्चे होते तो हम घूम नहीं पाते सही से और धीरे धीरे जाना पड़ता है हमें उनके साथ, तो अकेले में अच्छा हो रहा है, तो फटाफट हम जा रहे हैं। फिर ये तो परेशान करता है ना बहुत ज़्यादा, कभी गोद कहता है, कभी पानी की प्यास लग जाती है, छोटा ही है तो हमारे साथ छोड़ता भी नहीं है और गोद में उसको जाना होता है। यार अभी तो लग रहा है कि मैं भी थक गई हूँ, लग रहा है कि बैठती हूँ, पता नहीं यार बहुत दिनों बाद इतना लंबा हम चले हैं, इसमें लग रहा है कि हम थक गए हैं। रात को कितना अच्छा लगता है ना, रात को अभी तो लाइट खुली नहीं है। यार अभी तो लग रहा है कि मैं भी थक गई हूँ, लग रहा है कि बैठती हूँ, पता नहीं यार बहुत दिनों बाद इतना लंबा हम चले हैं, इसमें लग रहा है कि हम थक गए हैं। ये वीडियो बनाते समय बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कोई गाड़ी वाड़ी हमारा वीडियो ना बना ले, तो ये राधा मुझे बताते रहती है इधर को आओ करके, तो बड़ा सेफ्टी से बनाना पड़ता है। जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो हम वीडियो नहीं बनाते, जब रोड थोड़ा खाली होती तभी बनाते हैं, मतलब अपनी सुरक्षा करते हैं। हाँ, ब्लॉग बनाते समय वीडियो बनाते समय अपना भी ध्यान रखना चाहिए, कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं आ रही है, तो ढंग से ठीक से बनाना चाहिए अच्छी तरह से देख करके, तो कहीं कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं आ रही है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर, बड़ा आराम मिला, बहुत लंबा हम घूम के आए हैं, आज सब्जी लेते हुए आ रहे हैं, तो अभी हम आपसे मिलते हैं रूम में। यार बड़ी जोर की प्यास लगी है, बहुत जोर की प्यास लगी है, और दिनों तो यस्सू को प्यास लग जाती थी, आज मुझे प्यास लगी है और अभी शरीर गर्म है, तो थोड़ी देर में पानी पीऊंगी, चलो पानी पिला दिया, अभी थोड़ी देर में पीऊंगी। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं घर और बच्चे खेल रहे हैं लूडो, बच्चे भी आज काफ़ी टाइम बाद लूडो खेल रहे हैं, तो लॉकडाउन के टाइम पे हमने बहुत लूडो कैरम सब खेला था, तो अभी ये काफ़ी टाइम बाद पता नहीं आज इन्होंने कैसे लूडो खेल लिया, तो अब मैं चलती हूं किचन में, तब तक के लिए बाय। डिनर हमारा हो चुका है और बच्चे भी खा पी के आराम कर रहे हैं और टीवी चला है, मैं अभी थोड़ी देर देखूंगी टीवी, उसके बाद हम करेंगे सोने की तैयारी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना, गुड नाइट, बाय।